वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। समतानगर कोटला कॉलोनी, ये मेरे हमारे मिसेस रेशमा कुरैशी वहाँ के नगर सेविका है, इनके वार्ड के अंतर्गत आने वाली कॉलोनी कोटला कॉलोनी आनंद नगर, ये BHC के अंतर्गत आती है। यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट का काम होता है ये BHC करती है, लेकिन पिछले 30 सालों में यहाँ के कॉलोनी का काम सिर्फ कागज़ पे हुआ है, पेपर पे हुआ है, प्रत्यक्ष जगह पे कुछ भी काम हुआ नहीं है। मतलब यहाँ पर करोड़ों का व्यवहार, गैर व्यवहार, भ्रष्टाचार भी यहाँ पे ये BHC के अधिकारी कर्मचारी इन्होंने मिलकर किया है। और मैं पिछले 5 साल से रेशमा कुरैशी नगर सेविका इनके माध्यम से, मेरी माध्यम से, मैं बार बार इनको निवेदन दे रहा हूँ और इनको ये कह रहा हूँ कि कम से कम मेरी ये कोटला कॉलोनी आनंद नगर, इनको मूलभूत सुविधा दी जाए। आज वहाँ की परिस्थिति ऐसी है, हर बिल्डिंग के पीछे, यहाँ पर टोटल बिल्डिंग 38-38 है और हर बिल्डिंग में 6 फ्लैट है, तकरीबन 1100 लोक संख्या ये कॉलोनी की है। हर बिल्डिंग के पीछे ऐसा ड्रेनेज बहता है, एक दबका तैयार होता है कि उसमें मच्छर और डेंगू जैसी बीमारी होने का, भयंकर बीमारी होने का डर है। पिछले बार डेंगू के कारण यहाँ पर एक महिला की मृत्यु हो गई, फिर भी ये BHC विभाग ने आज तक इसको सीरियस नहीं लिया। मैंने 2015 से लेकर आज तक इनको कई पत्र दिया, मीडिया के माध्यम से हो, तुम्हारे YouTube के माध्यम से हो, उत्तर पत्र के माध्यम से हो, मैंने इसको वाचा फोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी BHC के लोगों ने आज तक कोई भी विकास का काम यहाँ पर नहीं किया। आज विभागीय आयुक्त कार्यालय में विभागीय आयुक्त साहब को हमने निवेदन दिया है और उनको कहा है, जब तक मेरे कॉलोनी का विकास का काम, मूलभूत सुविधा का काम शुरू नहीं होगा, तब तक हम यहाँ पर उपोषण करेंगे और किसी भी हालात में हम हमारा उपोषण पीछे नहीं लेंगे और ज़रूरत पड़ी तो ये आंदोलन हमारा और भी तीव्र करेंगे। अभी शाम में BHC के हमारे राज्य मंत्री संजय बंसोड़े साहब भी यहाँ पर आज मीटिंग में मौजूद है, अजीत दादा पाल साहब के साथ में शाम में वो भी भेंट देने वाले हैं। इनके मसाइल पर उनके सामने सारी बातों को, डेवलपमेंट के मसलों को रखना है। इसमें विशेष तौर से पिछली सरकार के अंदर में जो अधिकारियों ने ये PWD की अंतर्गत आती ये कॉलोनी है और हमारे अशफाक कुरैशी साहब के वार्ड का ये मसला है, इसलिए ये कॉलोनी उनके अंतर्गत आती है, तो इसमें तमाम जो मसाइल है, रास्तों के मसाइल है, बिल्डिंग के गलती के डेवलपमेंट का काम है और ड्रेनेज और पानी का मसला है, सब गंभीर इश्यू है। रोज़मर्रा के मसाइल के अंदर में लोग अपनी ज़िंदगी बड़ी बदहाली के अंदर में जी रहे हैं, उससे ऊपर उठाने के लिए एक नगर सेवक की जो जिम्मेदारी होती है, वारंवार बार बार बोलने के बाद भी अधिकारी कुछ काम नहीं करते हैं, इसलिए लक्षणीय ये उपासन रखा गया है, अमरण उपासन जो है तो रखा गया है। इसके लिए अधिकारियों को ये बात समझ में आना चाहिए, अगर इस तरह से वहाँ पे जो लोगों के पगार में से डेवलपमेंट के नाम पे पैसे काटे जाते हैं और पिछले कागजों के ऊपर जो काम दिखाए गए जो कि नहीं हुए हैं, एक भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उसके अंदर में रखा गया है, तो इन अधिकारियों की इंक्वायरी भी हम लगाएंगे इसके अंदर में इंशाल्लाह, और ये डेवलपमेंट के काम पे इमीडिएट तत्काल डेवलपमेंट का काम शुरू होना चाहिए, ऐसे आदेश प्रशासन के जरिए से हम यहाँ पे देने के लिए मंत्री महोदय को इंसिस्ट करेंगे और अधिकारियों को आदेश करने का उनको हम विनंती करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कल ही से काम स्टार्ट हो जाएगा और ये एक अच्छा हमारे कोटला कॉलोनी के लिए एक सबब होगा, ऐसा मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहता हूँ।